सिमरिया विधायक अभय मिश्रा ने गवर्नमेंट स्कूल में किया ध्वजारोहण। आजादी के 75वें वर्ष पर आयोजित कार्यक्रम में सिमरिया विधायक अभय मिश्रा ने गवर्नमेंट स्कूल सिमरिया में ध्वजारोहण किया। इस दौरान क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिकों के सहित काफी संख्या में क्षेत्रीय लोग और विद्यालय स्टाफ मौजूद रहा। इस दौरान विधायक अभय मिश्रा ने क्षेत्र के लोगों को आजादी का महत्व बताते हुए क्षेत्र के विकास के संबंध में चर्चा की। आइए दिखाते हैं आयोजित कार्यक्रम और सुनते हैं कांग्रेस पार्टी से सिमरिया विधायक अभय मिश्रा ने 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर क्या कहा है। मंच की ओर प्रस्थान करते हुए मैं सम्मानित विधायक महोदय का अपने विद्यालय परिसर पर हार्दिक अभिनंदन और वंदन और स्वागत करता हूँ। हम महापुरुषों के चित्र पर माल्यार्पण पूजन अर्चन बहन अनिता जी सहयोग करते हुए माननीय प्राचार्य महोदय साइंस फैकल्टी नहीं है और कॉमर्स फैकल्टी ग्रेजुएशन है ना, जबकि कॉमर्स फैकल्टी तो बहुत मिस है, उसके स्कोप भी बहुत। के लिए मैं आप सभी बच्चों को, स्कूल के स्टाफ को हमारे साथ पधारे, यहाँ समझिए कि सभी सम्मानित बंधुवर को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। आदरणीय सीएम राइज स्कूल के प्राचार्य आदरणीय शंकर दयाल दीक्षित जी, संचालन कर रहे श्याम सुंदर कुशवाहा जी, हमारे साथ पधारे हुए आदरणीय राजेंद्र त्रिपाठी जी, आदरणीय सोगौरा जी, आदरणीय शुक्ला जी, आदरणीय राम मनोहर पंडित जी, राजी एडवोकेट श्रीकांत जी, के एस कैली जी और राजकिशोर जी, सभी लोगों का नाम हृदय जी, अंकित सिंह जी, सबका मैं स्वागत करता हूँ। यहाँ पधारे हुए सभी सरकारी कर्मचारी अधिकारी बंधु और मेरे बच्चों, पहली बात तो यह है कि हमें इमारत कितनी ऊंची बनानी है उस हिसाब से हमको स्टील डालना है। हमारी गलती ये होती है कि हम जल्दबाजी में तुरंत तुरंत का कोई इलाज करते हैं, लंबा नहीं सोचता। मैं सिमरिया में यहाँ जनपद अध्यक्ष रहा, यहाँ पहली बार विधायक रहा, दूसरी बार भी यहाँ की जनता जनार्दन ने हमको चुनाव जिताया, तीसरी बार हराया नहीं, मैं चला गया था लेकिन उसने मुझे नकारा नहीं, चौथी बार जब मैं फिर से आया तो फिर से यहाँ की जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिला और अब मेरी उम्र भी हो गई 55 वर्ष, ईश्वर कृपा से सब कुछ है, बच्चे भी बड़े हो गए हैं, तो मेरी धारणा है, मेरे मन में ये सोच है कि सिमरिया के लिए जीना है। सिमरिया को कुछ ऐसा करना है और एक दिन के लिए नहीं, आगामी 20 वर्षों तक
लगातार प्रयास करते रहना है कि हमारी सवरिया एकदम खिल उठे। सवरिया विधानसभा क्षेत्र का हर बच्चा अपने आप में कंप्लीट मैन बने, यहाँ विकास के बहुत सारे स्रोत बने। ये सब तो हमारा काम है ही, नहर बनवाना, बिल्डिंग बनवाना, सड़कें बनवाना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, मूलभूत सुविधाओं का विकास करना, रोजगार के अवसर क्रिएट कराना, इन सब दिशाओं में तो हमारे काम होंगे ही, हम करना ही चाहेंगे। सरकारी योजनाओं का लाभ दिलवाना, अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को उसकी मदद करना, गरीबों के लिए जो सरकारी योजनाएं हैं उनके माध्यम से उनको सपोर्ट करना। लेकिन ये मानव का जन्म बड़े मुश्किल से मिलता है। यहाँ के जो बच्चे हैं, जो हमारा भविष्य हैं, जिनकी जब कल हम रिटायर हो जाएंगे तो इनकी बारी आएगी, इनके लिए एक लंबी और बड़ी सोच के साथ, एक लंबी प्लानिंग के साथ हमें काम करें। सबसे बड़ी बात यह है कि हम सवरिया को अलग से क्या देंगे, ये तो सब चीज, और हमारे पास कमी क्या है सवरिया में। जहाँ हमारी दृष्टि जाती है तो मेरी दृष्टि ये जाती है कि विकास कार्य, किसानी, डैम, ये सब तो अपनी जगह है, नहरें लाना, ये सब काम तो करेंगे। और ये बच्चे, ये जहाँ हम बैठे हैं, ये तो उस जगह पर बैठे हैं जहाँ इस देश की आधारशिला रखी जाती है। इस देश के आने वाले जो नागरिक हैं उनको तैयार करने की ये स्कूल एक आधारशिला है। और ये जो बच्चे हैं इनके पास अपने जीवन में खेलने के लिए बहुत हो, हम लोग तो अगर 100 ओवर है तो 60-50 ओवर खेल चुके हैं। 100 किसी को नहीं मिलते, 60-70 मिलते हैं तो 40-50 खेल चुके हैं। लेकिन इन बच्चों के पास पूरी संभावनाएं हैं। काम पर आस्था है, ईश्वर पर आस्था की तरह है। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देशवासियों, प्रदेशवासियों, क्षेत्रवासियों, आओ हम सब मिलकर तिरंगा फहराएं और 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं बधाई आप सभी को। जय हिंद, जय भारत। समस्त देशवासियों को, भिंदवासियों को, रीवा और मऊगंज जिले के समस्त आदरणीय, पूजनीय, सम्मानित जनों को और नई गढ़ी जनपद क्षेत्र के सभी सम्मानित जन, बुजुर्ग जन, माता भाई बहनों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस मनाते हैं, अपने उस संविधान को याद करते हैं, याद करते हैं कि आज के दिन हमारे राष्ट्र का गणतंत्र लागू हुआ और हम एक गणतंत्र राज्य के राष्ट्र के रूप में जाने गए। लेकिन अभी भी आज़ादी के इतने वर्षों बाद जिन्हें संवैधानिक संरक्षण की ज़रूरत है, अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने मौलिक अधिकारों से वंचित हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य से वंचित हैं, रोड से वंचित हैं, हवा पानी से वंचित हैं। और ये सब एक दिन केवल 26 जनवरी को ध्वजारोहण करने से और इस तरह के संदेश देने से शायद नहीं हो पाएगा। उसके लिए हम सबको 365 दिन निरंतर प्रयास करने होंगे। कई ऐसे घटनाएं हुई हैं जो मन को झकझोर देती हैं कि लोग न्याय के लिए भटकते रहते हैं, चाहे वो कैलाशपुर की घटना रही हो, चाहे मुद्रिका आदिवासी जी की घटना रही हो, चाहे नंद कुमार तिवारी जी की घटना रही हो, चाहे राजमणि साकेत जी की घटना रही हो, कई ऐसी घटनाएं हैं, चाहे वो आउटसोर्स के कर्मचारी हों, वो युवा बेरोजगार हों। आइए हम सब संकल्प लें कि प्रतिदिन अपने मौलिक अधिकारों के लिए, अपने संविधान द्वारा प्रदत्त जो कानूनी संरक्षण है उसके सहारे हम अपने अधिकार और हक के लड़ेंगे। एक बार फिर आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय अगस्त क्रांति और अगस्त क्रांति के क्रांतिकारी साथियों, आओ
अपने समृद्ध राष्ट्र के लिए सभी एक तरह से संकल्पित होके अपने जनों के लिए, ये देश हमारा है, हमारे देश के हर नागरिक हमारे भाई हैं, हमारी बहन है, हमारे माता और पिता हैं। आइए इन सब के लिए, सभी के हितों के लिए संकल्पित हो।